मसूद अजहर बौखलाया हुआ है, मसूद अजहर तिल मिलाया हुआ है, मसूद अजहर डरा हुआ है। वजह है पीओके में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक। भारत के मिराज फाइटर जेट्स ने जैश के ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह कर दिया। जैश के सैकड़ों आतंकी मार गिराए, जिनमें मसूद अजहर के परिवार वाले भी थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि इसके बाद से ही मसूद अजहर भारत पर हमले की नई योजनाएं बना रहा है, लेकिन उसके रास्ते में खड़ी है भारतीय फौज। पुलवामा के बाद पीएम मोदी ने सेना को फ्री हैंड किया दिया, मसूद अजहर की हवा सरक गई, इसीलिए वो डरा हुआ है। तो क्या अगली सर्जिकल स्ट्राइक सीधे मसूद अजहर के खिलाफ होगी? क्या ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिकी सील कमांडो के ऑपरेशन जैसी स्ट्राइक भारत मसूद अजहर के खिलाफ करेगा? सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज कहा कि आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ सेना पूरी तैयारी कर चुकी है। हालांकि इस ऑपरेशन से जुड़ी बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपकी सेनाएं तैयार हैं, बस आप इतना समझ जाइए कि आपकी सेनाएं जो है सक्षम है और तैयार है। पुलवामा के बाद देश में भड़के गुस्से और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कदम उठाने की मांग पर सेना प्रमुख ने साफ किया कि सेना जनता की भावनाओं या उनकी मांग पर काम नहीं करती। सेनाएं राजनीतिक फैसलों के मुताबिक काम करती है और सेना की कार्रवाई को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। 26 फरवरी को पीओके में भारतीय एयर स्ट्राइक के बाद उठ रहे सवालों पर सेना प्रमुख ने कहा कि हमें जो लक्ष्य दिया गया उसे हमने पूरा किया, इसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। सेनाएं जो कार्रवाई करती हैं वो किसी टास्क जो उन्हें दिया जाता है उस तरह से कार्रवाई करती है। हम अपना टास्क करते रहेंगे माहौल देखकर, अगर माहौल बिगड़ता रहेगा तो हमें कार्रवाई करते रहनी पड़ेगी, अगर माहौल में सुधार आएगा तो हम भी उसी प्रकार से कार्रवाई करेंगे। फिलहाल मसूद अजहर पर शिकंजा कसता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के रास्ते में चीन के खड़े होने के बावजूद उस पर दबाव बहुत बढ़ गया है। भारत के साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन खड़े हैं। फ्रांस ने जैश की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। अमेरिका ने आतंकवाद के मसले पर चीन को कहा है कि सोच समझकर कदम उठाएं। पाकिस्तान को मसूद अजहर समेत तमाम आतंकियों के खिलाफ कदम उठाने को कहा गया है। इन सब के बीच खुफिया जानकारी मिली है कि भारत पर आतंकी हमले के लिए मसूद अजहर ने अब तालिबान से हाथ मिलाया है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक बालाकोट पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक से पहले ही जैश सरगना मसूद अजहर ने तालिबान हक्कानी गुटों के कमांडर्स के साथ बैठक की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जैश सरगना मसूद अजहर और तालिबानी आतंकियों के बीच 15 से 20 दिसंबर के दौरान पाकिस्तान में बैठक हुई, जिसमें फैसला हुआ जैश तालिबान के साथ मिलकर भारत और अफगानिस्तान में हमला करेगा। खुफिया एजेंसी की इन रिपोर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसी लगातार जैश की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। खुफिया इनपुट के मुताबिक तालिबान जैश के आतंकियों को बड़े हमले के लिए ट्रेन करेगा, जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी हमले करते हैं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि अफगानिस्तान में भारतीय ठिकानों और इंस्टॉलेशंस पर तालिबान हमला कर सकता है। इस साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान पर तालिबान के साथ बातचीत का दौर शुरू किया है, ISI तालिबानी आतंकियों को भारत में हमले के लिए उकसा रही है। पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद आई रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 16 टेरर कैंप्स अब भी मौजूद हैं, जहां आतंकियों को भारत पर हमले के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों और जैश की हिमाकत को देखते हुए जनरल बिपिन रावत का बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।